गाइस आज ऑनर ने इंडिया में लॉन्च किया ऑनर का 9A एंड 9S। तो 9A जो है आपको अमेज़न के ऊपर देखने को मिलेगा एकदम 10,000 रुपए में, तो 3GB रैम प्लस 64GB इंटरनल देखने को मिलेगा। सेम टाइम 9S जो है आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा, सुपर बजट सेगमेंट के अंदर आ रहा है। ये फोन का प्राइस जो 6,500 रुपए आपको देखने को मिल जाएगा 2GB रैम प्लस 32GB इंटरनल के साथ। तो ये वीडियो में मैं देखिए बेसिकली एक ही चीज बोलूंगा, पहले तो हम लोग थोड़ा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे क्यों आपको ये दो फोन नहीं लेना है। मतलब ये दो फोन का देखिए स्पेसिफिकेशन अच्छे है, बट जो मेजर प्रॉब्लम है वो है सिक्योरिटी। इधर आपको मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगा अगर आप ये फोन लेते, तो वो सब लेकर ही बात करेंगे क्यों नहीं लेना है, वो आपको डिटेल में बोलेंगे, तो वीडियो कंप्लीट जरूर देख लेना। गाइस अगर आप चैनल में नए हो तो मैं सम्राट आशा कर रहा हूं आपकी वीडियो काफी अच्छी और हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगने पर और हेल्पफुल होने पर प्लीज वीडियो में एक लाइक दीजिएगा और हम लोगों को 50 लाइक करके फिल कीजिए। और कुछ भी अच्छा नहीं लगने पर ऑब्वियसली आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो, कमेंट के आंसर मिल जाएगा। और चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो ऑनर का 9A को अगर देखेंगे तो ऑनर का 9A जो है डिजाइन वाइज जो बहुत ही अच्छा बहुत ही खूबसूरत देखने वाला एक फोन है। तो ये फोन का पीछे अगर देखोगे बहुत ही एक ग्लास टाइप का आपको फील देखने को मिलेगा, बट ये जो है प्लास्टिक के ऊपर बनाया गया। इसका जो डिस्प्ले है आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा 6.3 इंच का डियोड्रम नॉच के साथ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले। पीछे आपको ट्रिपल कैमरा की स्लॉट मिलेगा, 13 MP प्राइमरी, सेकेंडरी 5 MP कॉर्पोरेट, क्यू 5 MP दिया, इस बजट में 8 MP देखने को मिलता है, ये मुझको पता नहीं है। तीसरा जो है 2 MP का डेप्थ सेंसिंग का सेंसर देखने को मिल जाएगा। ये फोन में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, 10W का चार्जिंग एडाप्टर इनबॉक्स दिया जाएगा, माइक्रो USB पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ प्रोसेसर जो है आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक P22 प्रोसेसर इधर देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रंट में 8 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। प्रोसेसर थोड़ा पावरफुल हो सकता था इस बजट में, मिनिमम P60 की तरह प्रोसेसर नहीं तो P70 की तरह प्रोसेसर आराम से दे सकता था मीडियाटेक इस फोन में, ऑनर ये फोन में बोल सकते, बट ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेम टाइम अगर हम लोग ऑनर का 9S को देखेंगे तो ऑनर 9S जो है सुपर बजट सेगमेंट की फोन है एंड स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छा है। तो 6500 रुपए में ये फोन में आपको देखने को मिलेगा 5.5 इंच का एक 18:9 का डिस्प्ले, ऊपर में नीचे में आपको बेजल देखने को मिल जाएगा। ये फोन में बेजल एंड चिन देखने को मिल जाएगा, एक बजट वाइज देखा जाए तो एकदम ठीक है। आपको ये फोन का पीछे जो है एकदम फैंसी कुछ देखने को नहीं मिलेगा, एकदम ही एक नॉर्मल देखने को मिल जाएगा। कैमरा जो है सिंगल कैमरा पीछे देखने को मिलेगा 8 MP का, फ्रंट में जो है 5 MP का आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। ये फोन में 3000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगा। ये फोन में आपको 10W का चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिलेगा। एंड इधर जो है आपको ये फोन में मीडियाटेक का P22 प्रोसेसर इधर भी देखने को मिल जाएगा। बट अगर लॉन्च इवेंट देखेंगे, ये दो फोन का लॉन्च इवेंट में नोटिस किया, इसी तरह ये जो प्रोसेसर के बारे में कुछ बात नहीं किया गया, कौन सा प्रोसेसर यूज किया गया, ये मेरे को सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन चीज लगा। बाद में मैं देखा दोनों ही P22 है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल स्पेसिफिकेशन बोल दिया, बट आपको क्यों नहीं लेना है, बिकॉज ऑफ देखिए वाई एंड ऑनर। देखिए इसका जो ये सब स्मार्टफोन में जो आपको गूगल का कोई ऐप सर्विस देखने को नहीं मिलेगा, मतलब गूगल मोबाइल सर्विस जो है GMS इधर आपको किसी तरह सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा नेटिवली। मतलब आपको ये फोन में किसी तरह गूगल का कोई ऐप्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, आपको इधर जो है वाई मोबाइल सर्विस देखने को मिलेगा, HMS देखने को मिलेगा। तो आपको कोई भी ऐप्स डाउनलोड करना है तो HMS से देखने को डाउनलोड करना पड़ेगा, वाई का जो ऐप गैलरी है उधर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इधर जो है आपको काफी सारा ऐप्स आज के दिन में भी प्रेजेंट देखने को नहीं मिलेगा, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको थर्ड पार्टी सोर्स से डाउनलोड करना पड़ेगा। इवन अगर आप चाहते हो कोई गूगल से आपका कॉन्टैक्ट सिंक है तो आप ये फोन में गूगल का कॉन्टैक्ट सिंक को भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको अलग से गूगल कॉन्टैक्ट सिंक करना पड़ेगा, अलग से डाउनलोड कर इधर आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आपको कॉन्टैक्ट को, ये भी एक काफी बड़ा मेजर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। एंड सिक्योरिटी रीजन जो है सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम इधर खड़ा हुआ है। सबसे पहले तो काफी सारे ऐप्स इधर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको थर्ड पार्टी सोर्स से डाउनलोड करना पड़ेगा। बाई चांस अगर कोई ऐप्स में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इधर समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज अब इधर जो है आपको गूगल का मोबाइल सर्विस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए आपको इधर जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है हर महीने का, नहीं तो 2-3 महीने का बाद जो देता है हर एक कंपनी, वो भी उतना अच्छे से इधर देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसके साथ गूगल प्ले प्रोटेक्ट सर्विस जो है वो आपको हर एक स्मार्टफोन के अंदर एम्बेडेड देखने को मिलता है, वो चीज भी इधर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे क्या है, आपका कोई ऐप्स का अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप इधर आपको उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है ये स्मार्टफोन के साथ होगा। एंड इसका साथ गूगल का जो ये फोन में गूगल का सर्विस नहीं रहने पर आपका जो प्रोटेक्शन है, पेमेंट प्रोटेक्शन जो है उतना खास आपको इधर देखने को अभी टाइम के अंदर देखने को नहीं मिलेगा।
एंड इसके साथ अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये जो HMS सर्विस है, मतलब वाई मोबाइल सर्विस, इसका जो ऐप गैलरी है, ऐप गैलरी के अंदर आज के दिन में भी जो पेमेंट ऐप्स है, UPI पेमेंट जो आप लोग हम लोग ऐप्स यूज करते, काफी सारा ऐप्स आज के दिन में भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है ये सब स्मार्टफोन का, ये सब फोन का। तो आपको जो थर्ड पार्टी ऐप से पेमेंट के ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा, जो एक बहुत ही एक मेजर कॉन्स है इसका। एंड अगर ये पेमेंट करेंगे UPI से पेमेंट, तो ये फोन जो है उतना सिक्योर नहीं है, बिकॉज ऑफ इधर जो आपको गूगल की किस तरह सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलेगा, और इसके साथ अगर प्ले प्रोटेक्शन जो है वो भी आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं जो है एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा, अभी के टाइम के अंदर आप ये सब स्मार्टफोन मत लो। इवन मैं बोलूंगा वाई एंड ऑनर का फोन मिनिमम 1 से 2 साल अभी भी नहीं लेना ही अच्छा होगा, जब तक वाई एंड ऑनर का फोन में काफ़ी अच्छे से हर एक ऐप्स का सपोर्ट मिल जाएगा। एंड वाई जो है ये जो HMS वाई मोबाइल सर्विस, इसको और भी अच्छे से डेवलप कर पाए, जब ये सिक्योरिटी इशू जो है वो काफ़ी हद तक सरपास कर पाए वाई, तब जाकर अगर वाई ऑनर का फोन लेंगे 2 साल की बाद, तब जाकर देखेंगे बहुत सारा स्टेबल हो जाएगा ये जो नया HMS सर्विस है। एंड इसके साथ एक चीज मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, अगर आप कोई थर्ड पार्टी सोर्स से गूगल का मोबाइल सर्विस इधर इंस्टॉल कर लेंगे, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बट उतना खास आपको इधर काम करते देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज ऑफ गूगल का एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे, कोई फोन में गूगल का मोबाइल सर्विस अगर इंस्टॉल नहीं रहता है पहला दिन से, तो बाद में जाकर अगर साइड लोड करते हैं तो उतना अच्छे से खास काम नहीं करते। तो ये फोन में भी वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप साइड लोड कर भी लेते हो गूगल का मोबाइल सर्विस, ये सब एप्स जो जो एप्स है गूगल सर्च, यूट्यूब बोलिए, जीमेल बोलिए, और भी काफी सारे ऐप्स। तो ये चीज भी आप एक बार नोटिस कर लेना। तो ये है ओवरऑल वीडियो, तो मेरी तरफ से इवन काफी सारे यूट्यूबर देखेंगे आपको एक ही चीज मिलेगा, अभी के टाइम के अंदर वाई एंड ऑनर का फोन नहीं लेना ही अच्छा है जो फोन HMS के साथ आ रहे हैं। तो ये है कंप्लीट वीडियो, आशा कर रहा हूं आपको वीडियो अच्छा लगा एंड हेल्पफुल हुआ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो में एक लाइक देकर हम लोगों को 50 लाइक करके कटा गया ये फोन का जरूर फिल कर दीजिए, और कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो, कमेंट कैंसर मिल जाएगा। चैनल में नाना का चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, इस तरह वीडियो का फ्यूचर में मिल जाएगा। फिर एक नया वीडियो मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।